जैसे कि पिछली वीडियो में आपको याद होगा, हम लोगों ने ये शूज़ डिज़ाइन किए थे। अब इसमें मैं ये वाला शूज़ बनाऊंगी। एक तो मैं बना चुकी हूँ, जैसे लास्ट टाइम पे मैं बना के दिखा चुकी थी। और इसके लिए हमें जिस मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल में हमें ये फैब्रिक है, सिंधी प्रिंट है ये, मेरे पास पड़ा हुआ था। उसके अलावा ये सीज़र है एक, और ये जर्मन ग्लू, वाइट ग्लू है मेरे पास। ये देखिए, हर कोई पूछ रहा था, लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था कि ग्लू कौन सा आप यूज़ करती हैं। तो ये देखें, ये वाइट ग्लू जर्मन ग्लू होता है, कुछ लोग इसको जर्मन ग्लू कहते हैं, वाइट ग्लू भी कह सकते हैं इसको। तो बस इतने से मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। इस पर पहले भी मैं काम कर चुकी हूँ, ये ब्लू से कलर का लेदर का शूज़ था, इसके ऊपर पहले मैंने न्यूज़पेपर्स के साथ काम किया था, अब इसी के ऊपर मैं दोबारा काम करूँगी। ग्लू लगानी है सबसे पहले इस पर। देखें, ये पूरी ग्लू लग चुकी है इसके ऊपर, बीच में भी अंदर की तरफ मैंने थोड़ी सी ग्लू लगाई है, इसके ऊपर भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसके ऊपर हम फैब्रिक पेस्ट करेंगे सिंपल तरीके से। इसके ऊपर इस तरह से फैब्रिक को पहले मैं देख लूँ इसका उल्टा और सीधा, ये सीधा है, ठीक है, सेम वे में लास्ट टाइम जो हमने किया था उसी तरह से इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दें। देखिए ऐसे पेस्ट किया, ये देखिए फैब्रिक तो पूरा उसके साथ जुड़ चुका है। अब ये देखिए, यहाँ से मैं कट्स लगा रही हूँ इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए, छोटे छोटे से कट्स लगाऊंगी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए। इसको जो मैंने कट्स लगाए हैं इनसे मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करूंगी। ये देखिए, ये फोल्ड हो रहा है अंदर की तरफ। देखिए ये लगा लिया हमने, इसके बीच का पोर्शन है जो इस पे लगाना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से जो अंदर की तरफ लगाया मैंने, सेम इस तरह से एक मैंने ये पीस कट किया है, उसको ऊपर रख के इसके अंदर भी हम सेट करेंगे सेम। ये देखिए, अब हम इसको करेंगे कट। ये जो जितना हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, ये देखिए, ये देखिए इसको, इस फैब्रिक को अब इसके ऊपर जोड़ेंगे। इसके बाद मैं आपको दोनों शूज का डिफरेंस बताऊंगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस बाहर को निकला और ये हमने कट कर दिया, ठीक हो गया। ये देखिए, यहाँ पे भी थोड़ा सा नजर आ रहा है मुझे, ये जस्ट मैंने 1 ईयर इसको यूज़ किया था, ठीक है, ये इतना ज़्यादा ओल्ड नहीं था। और इसको मैंने रीयूज़ किया और फिर रीयूज़ किया, अभी आपके सामने इसको मैंने दोबारा से डिज़ाइन किया। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये न्यू प्रोजेक्ट कैसा लगा, न्यू डिज़ाइनिंग कैसी लगी आपको। अभी मैं आपको इस पेयर को यूज़ करके भी बताऊँगी और मुझे बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है आपको।